हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं 6 जनवरी 2020 का एनालिसिस। उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पांस, एंड आई विल ट्राई कि मैं रेगुलरली ही वीडियो शाम को रात में ही अपलोड कर दूं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र ने ऐसा फर्स्ट स्टेट बना है जिसने इंटीग्रेट किया है अपने लैंड रिकॉर्ड्स विद द वेब पोर्टल ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, बता दिया भाई किसके पास कितना कितना लैंड है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, चेकिंग द केसेस ऑफ ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस मतलब कोई ज़्यादा क्लेम कर देते हैं, ठीक है, कि भाई हमारा मतलब फसल तो एक किले की खराब हुई है, ठीक है, एक एकड़ की खराब हुई है, क्लेम उन्हें तीन एकड़स की कर दे, तो ओवर इंश्योरेंस के केसेस में कमी आएगी। एंड अगर इनएलिजिबल पीपल हैं वो भी इसमें रूल आउट हो जाएंगे, एंड पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे दिक्कत है। देन इज अबाउट, ये है क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 2016 में इसको लॉन्च किया था। इससे पहले जो इंश्योरेंस स्कीम्स थी उनको रूल आउट करके, कौन सी थी इससे पहले, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, इन सबको रूल आउट करके आई है कौन सी, PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या होता है, आपको प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कितना कितना प्रीमियम होता है, प्रीमियम बेसिकली की एक नॉर्मल इंश्योरेंस टाइप है। अब हम गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है, उसमें प्रीमियम भरते हैं। ठीक है, इनकेस हमारी गाड़ी डैमेज हो जाती है तो फिर कंपनी हमको उतना इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि इतने इतने अमाउंट का आप एलिजिबल हो इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी गाड़ी इतनी खराब हुई है, तो प्रीमियम में कुछ अमाउंट जैसे 2,000-3,000 रुपये आपको पर मंथ या ईयरली भरने पड़ते हैं इस तरीके से, एंड फिर आपको वो मिल जाते हैं अगर आपकी फसल खराब हो जाती है। तो यूनिफॉर्म प्रीमियम भरना पड़ता है। ठीक है, 2% टू बी पेड बाई फार्मर्स फॉर खरीफ क्रॉप्स एंड 1.5% फॉर रबी क्रॉप्स। ठीक है, एंड जो एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इतना इतना प्रीमियम भरना पड़ता है। ठीक है, एंड फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फार्मर को। ऑब्वियसली अगर किसी का क्रॉप लॉस हो जाएगा उसके बाद उसके खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा एंड स्टेबलाइज करेगा फार्मर्स की इनकम को। ठीक है, क्योंकि एक बार को उनका नुकसान हो गया, ठीक है, फिर आप उनको पैसे दे दोगे तो वो अगली फसल उगा पाएंगे, तो इसलिए उनकी इनकम को स्टेबलाइज कर रहा है बेसिकली। देन इनकरेज कर रहा है फार्मर्स को टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उनको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, पैसे मिलेंगे इनकेस, तो वो अपने कुछ भी मॉडर्न ट्यूबवेल्स लगा सकते हैं अपने यहाँ पे इस तरीके से। एंड इंश्योरिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, बेसिकली किसी ना किसी तरह से क्रेडिट जा रहा है एग्रीकल्चर की साइड, जिससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो रही है। बेसिकली अनइंटरप्टेड फूड सप्लाई चाहिए, बिकॉज हम अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे पीपल को वो करते हैं, शेल्टर दे रहे हैं जो पॉवर्टी लाइन में है। ठीक है, मतलब हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक बहुत लो आता है हर बार को, तो इसकी तो जो है अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट जा रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड कौन से फार्मर कवर्ड होंगे इसमें, सबसे पहले सारे फार्मर्स कवर्ड होते हैं ग्रोइंग द नोटिफाइड क्रॉप्स इन द नोटिफाइड एरिया ड्यूरिंग द सीजन। ठीक है, तो एंड वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि इशुएबल इंटरेस्ट होते हैं, जो कौन सी क्रॉप्स होती है जो एलिजिबल होती है इस चीज़ के लिए, फसल बीमा योजना के लिए। ठीक है, खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। एंड हाँ, आज आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे खरीफ और राबी क्रॉप्स में डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, एंड प्लीज़ कॉमेंट करिएगा क्वेश्चन के लिए, आपके 5 मिनट लगेंगे उसको करने में, बट आपको ही फायदा देगा बेसिकली। तो खरीफ एंड राबी क्रॉप्स का डिफरेंस बताना। देन इज अबाउट कंपल्सरी कवरेज। तो इन द इनरोलमेंट अंडर द स्कीम सब्जेक्ट टू पोजेशन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन कल्टिवेशन ऑफ नोटिफाइड क्रॉप इन द नोटिफाइड एरिया शैल बी कंपल्सरीली फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो इनरोल कराना ही पड़ेगा आपको ऐसी स्कीम में। तो फार्मर्स इन द नोटिफाइड एरिया हु पोजेसेस अ क्रॉप लोन अकाउंट और KCC अकाउंट, ठीक है, टू होम क्रेडिट लिमिट इज सैक्शनेबल रिन्यूएबल फॉर द नोटिफाइड क्रॉप ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन। बेसिकली जिसका कृषि कार्ड होता है, ठीक है, उसको वो एलिजिबल है इसके लिए। एंड नोटिफाइड एरिया इस एरिया में, कि भाई इस एरिया में फसल बीमा योजना के तहत हम बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो उसको कराना पड़ेगा। एंड सच अदर फार्मर्स होम गवर्नमेंट मे डिसाइड टू इंक्लूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिकली। ठीक है, वॉलंट्री कवरेज, द वॉलंट्री कवरेज मे बी ऑप्टेन्ड बाई फार्मर नॉट कवर्ड अबव, ठीक है, इंक्लूडिंग हुज क्रेडिट लिमिट इज नॉट रिन्यू। ठीक है, जो क्रॉप लोन अकाउंट होल्डर, बेसिकली जो कृषि कार्ड होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो जिसकी क्रेडिट लिमिट नहीं रिन्यू हुई है, वो भी इसमें आ सकते हैं, वॉलंट्री कवरेज जिसे कह रहे हैं, खुद से आके अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। फिलहाल चैलेंजेस क्या हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस क्या हैं फसल बीमा योजना के। इनसफिशिएंट रीच है, इन इशू ऑफ पेनिट्रेशन है, मतलब हर एक तबके के किसानों तक नहीं पहुंच पाई, इनसफिशिएंट रीच है। डाटा कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, 45% ऑफ द क्लेम्स मेड बाय फार्मर्स ओवर द लास्ट 3 क्रॉप सीजन्स डाटा फॉर द लास्ट रबी सीजन इज नॉट अवेलेबल पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। बेसिकली डाटा कंस्ट्रेंट्स है, कितने फार्मर्स को लॉस हुआ है एंड कितने कितने एरिया में लॉस हुआ है, तो वो उसका डाटा कंस्ट्रेंट्स हैं। एंड लो पे आउट ऑफ क्लेम्स, बेसिकली अगर आप क्लेम कर रहे हो, वो किसान कह रहा है मेरा ज़मीन ख़राब हो गई है, तो उसकी पे आउट नहीं हो पा रही है। ठीक है, जो प्रीमियम कंपनीज है वो डिफॉल्ट कर रही हैं जगह पे, एंड तो इसीलिए वो वाली दिक्कत हो रही है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट पे इट्स शेयर ईदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पे आउट, बेसिकली पे आउट क्लेम्स कम है इसमें, एंड गैप्स इन असेसमेंट ऑफ क्रॉप लॉस. बेसिकली क्या होता है, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे इस एरिया की क्रॉप खराब हो रखी है, तो एक असेसमेंट करने वाला आएगा फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, वो देख के जाएगा कि हाँ भाई खराब तो है, तो वो बोल देगा कि ठीक है हम आपको पे कर देंगे. तो असेसमेंट ही नहीं हो पा रहे, गैप्स इन असेसमेंट ऑफ क्रॉप लॉस, ठीक है. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा है, पहली बात, ठीक है. अगर आप मान लो ड्रोन से सर्वेलेंस करके आप देख पा रहे हो, तो वो ज़्यादा ईजी होता है दैन मैनुअल ट्रैवलिंग, ठीक है. तो देयर इज़ हार्डली यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन असेसिंग क्रॉप डैमेजेस, ठीक है. लैक ऑफ ट्रेंड आउटसोर्स एजेंसीज एंड स्कोप ऑफ करप्शन ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन. वही ना, एक एकड़ के तीन एकड़ बना के बता देते हैं. तो स्मार्टफोन्स एंड ड्रोन्स का यूज़ होना चाहिए टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ सच सैम्पलिंग. देन लेस नंबर ऑफ नोटिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, नोटिफाइड क्रॉप्स कम है, ठीक है. आप इंश्योरेंस में वही बता रहे हैं, सरकार ने बोला है ना कि नोटिफाइड क्रॉप्स को एंड नोटिफाइड जगह को ही हम इंश्योरेंस देंगे, तो नंबर ऑफ क्रॉप्स भी कम नोटिफाइड है. एंड हाई प्रीमियम रेट्स, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज होती हैं ये, जिसमें गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पैसे दे देती है, एंड फिर वो प्राइवेट कंपनीज आपको इंश्योरेंस अमाउंट देती है. तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम रेट्स चार्ज करती हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली गरीब फार्मर है, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो वाली दिक्कत आती है, हाई प्रीमियम रेट्स एंड पुअर कैपेसिटी टू डिलीवर. तो देर हैज़ बीन नो एफर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी टू बिल्ड अवेयरनेस, ठीक है. ऐसे हर जगह स्वच्छता अभियान के तो होल्डिंग्स लगा रखे होते हैं, बट कहीं फसल बीमा योजना के नहीं लगा रखे. तो बेसिकली अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि अगर इनकेस हमारी फसल खराब हो जाए तो हम कहाँ जाएं, ठीक है. एंड एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ताकि इसकी इंप्लीमेंटेशन हो सके. ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं. देन टू सम अप, ये क्या है, महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत. कब आई थी, 2016 में आई थी, पहली सारी स्कीम्स को रोल आउट करते हुए. प्रीमियम देना पड़ता है आपको, ठीक है, 2% देना पड़ता है खरीफ क्रॉप्स के लिए, 1.5% देना पड़ता है राबी क्रॉप्स के लिए, एंड प्रीमियम जो एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है उनके लिए ज़्यादा होता है. कमर्शियल बेसिकली जो सिर्फ बेचने पर्पज से, उनके लिए ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है. ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देगा फार्मर्स को, उनकी इनकम को स्टेबलाइज करेगा, फार्मर्स को एनकरेज करेगा टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट को इंश्योर करेगा. बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर को हमारा बहुत ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन जाता है फ्रॉम आर GDP, सो दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट. फार्मर्स कौन से कवर्ड होंगे, इन द नोटिफाइड एरिया एंड ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप्स ही उनको दिया जाएगा, एंड कुछ ही क्रॉप्स एलिजिबल होती है फॉर द फसल बीमा योजना. तो कंपलसरी कवरेज ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड देयर इज टू टाइप ऑफ कवरेज, कंपलसरी कवरेज एंड वॉलंटरी कवरेज, ठीक है. कंपलसरी इन द जिसके पास कृषि कार्ड है, क्रॉप लोन अकाउंट या KCC अकाउंट, ठीक है. क्रेडिट लिमिट जो सैंक्शन करेगा, ठीक है, एंड नोटिफाइड मतलब ये वाली क्रॉप जिसने ग्रो करी है जिसकी इतनी इतनी क्रेडिट लिमिट है, बेसिकली कृषि कार्ड में क्रेडिट लिमिट होती है, तो उसकी इतनी क्रेडिट लिमिट वाले फार्मर्स एलिजिबल होंगे. एंड वॉलंटरी कवरेज में वो खुद आके अपना रिन्यू करवा सकते हैं जो उस कैटेगरी में कवर्ड नहीं है. देन चैलेंजेस एट प्रेजेंट क्या है, इनसफिशिएंट रीच है, इशू ऑफ पेनिट्रेशन बेसिकली कि ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है बहुत सारी तबके में, एंड डाटा कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, नहीं सैम्पल अमाउंट ऑफ डाटा है. देन लो पे आउट ऑफ क्लेम्स पे आउट नहीं है. गैप्स इन असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं किया जा रहा है. नोटिफाइड क्रॉप्स का नंबर कम है, एंड प्रीमियम रेट ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं बाय द इंश्योरेंस कंपनीज, एंड पुअर कैपेसिटी टू डिलीवर द इंश्योरेंस टू द फार्मर्स. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील. तो ईरान ने अपने आप को कम्प्लीटली विदड्रॉ कर लिया है. हम पढ़ चुके हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी को की डेथ हुई है क्योंकि जो US ने उन पर अटैक कर दिया था, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई है. तो ईरान ने जो अपने आप को कम्प्लीटली विदड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन न्यूक्लियर डील, ठीक है. तो इसमें एक्चुअली न्यूक्लियर डील में होता क्या था, 2015 में ये डील साइन की थी किसने, ईरान, US, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है. बेसिकली इन्होंने साइन किया था उसके द्वारा. तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि उन्होंने बोला था कि भाई ईरान सुनो मेरी बात, तुम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो, तुम अब से ये मत बनाओ, इसके बदले हम तुम्हें इतनी, ईरान कहेगा नहीं भाई मैं क्यों नहीं बनाना, छोड़ो इससे तो मेरा काम काज चल रहा है, ठीक है. तो ईरान की ये दिक्कत है, ठीक है चलो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हम तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये बनाना छोड़ दो, ठीक है. तो ईरान ने कहा ठीक है मैं मान जाऊँगा, तो वो उनको पैसे देने लग गए थे, ईरान मानने लग गया. बट उनको नीचे से कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं भाई ईरान तो अपनी न्यूक्लियर डील चलाए जा रहे हैं अंडर द टेबल. उनको चढ़ गया गुस्सा, US बोला हम जा रहे हैं भारत से इस एग्रीमेंट से, ईरान अपना देखता रहेगा. ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस इंपोज कर दिए, ठीक है. बेसिकली पहले ऑलरेडी ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी क्रम्बल डाउन हो रही थी. तो उन सैंक्शन से बचने के लिए ईरान को मानना ही पड़ा कि भाई अब तो सैंक्शंस भी हैं और ऊपर से चलो इन्होंने अच्छा ऑफर दिया है, ये मेरे को पैसे तो दे ही रहेंगे, ठीक है. तो जो पुराने सैंक्शंस थे वो वापस लौट के आ गए, तो वही बात है, लौट के बुद्धू घर को आए.
देन तो ईरान न्यूक्लियर डील देख चुके हैं कि इन कंट्रीज के साथ उसने किया था, एंड इसके तहत ईरान ने एग्री कर लिया था कि मैं अपनी जो स्टोर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस है, एनरिच यूरेनियम है, हैवी वाटर है जो मेरा न्यूक्लियर बिल्डअप में काम आता है, वो मैं उसको कम कर दूंगा। एंड ईरान ने एस्टैब्लिश किया जॉइंट कमीशन एस्टैब्लिश होना था विद द नेगोशिएशिंग पार्टीज ऑल रिप्रेजेंटेड टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली एक जॉइंट कमीशन बनना था जो भी इसमें पार्टीज है, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और ईरान, इसके एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे एंड वो मॉनिटर करेंगे कि ईरान अपनी ज़्यादा चद्दर से बाहर पैर तो नहीं फैला रहा है। तो उसने तो ईरान ने उस टाइम पे क्यों एग्री कर लिया, मैं अब बता चुकी हूँ। उस टाइम पे ईरान डेवेस्टेटिंग इकोनॉमिक सैंक्शन से डील कर रहा था, ठीक है, तो इसीलिए उसको मानना ही पड़ा। एंड बिलियंस इन द ओवरसीज एसेट हैड बीन फ्रोजन, जो बाहर में उसके एसेट्स थे वो भी फ्रोज कर दिए गए थे, वो उसको नहीं मिल पा रहे थे। तो यूएस ने क्यों पुल्ड आउट कर लिया डील को, ट्रंप ने बोला कि हम ईरान को एक तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं पर ईरान अपना सपोर्ट नहीं दे रहा है, एंड मोर ओवर अपने उन न्यूक्लियर वेपन्स प्लस अपनी जो नीचे टेररिस्ट ग्रुप चलाता है जैसे हमास एंड हिज़्बुल्ला, ये जो ईरान सपोर्ट करता है ऐसे इनको, तो वो भी चलाया जा रहा है एंड अपनी टेररिस्ट न्यूक्लियर डील भी कंटिन्यू कर रहा है, तो हम ईरान को नहीं सपोर्ट कर रहे। एंड दे से दैट ईरान लाइड अबाउट इट न्यूक्लियर प्रोग्राम इन द पास्ट एज वेल। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया क्या होगी, सबसे पहले भाई तेल और गैस की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ईरान हमारा प्रेजेंटली थर्ड बिगेस्ट सप्लायर है, पहला कौन सा है, इराक, देन इज सऊदी अरेबिया, देन इज ईरान, ठीक है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ये तीन हमारी बिगेस्ट सप्लायर है, तो अगर सैंक्शंस लग गए तो हम वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली सैंक्शंस में क्या होएगा, वो अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे एंड जो कंट्रीज उनसे इंपोर्ट करा रहे हैं तो यूएस उनको तिरछी नज़र से देखेगा बेसिकली एंड आगे उन पर भी सैंक्शंस लगा सकता है। एंड ये हमारा डेवलपमेंट इम्पैक्ट करेंगे टू द चाबहार पोर्ट, एंड चाबहार पोर्ट हमने 2016 में ईरान से लीज में लिया था। तो चाबहार पोर्ट की लोकेशन क्या है, ये पाकिस्तान का एरिया है, तो ये ग्वादर पोर्ट है बेसिकली। ग्वादर पोर्ट क्या है, चाइना ने लीज पे लिया हुआ है, ग्वादर पोर्ट एस्टैब्लिश किया हुआ है इन पाकिस्तान, एंड ये है चाबहार पोर्ट, ठीक है, हमारा ये जो कांडला पोर्ट है यहाँ से इसको कनेक्ट करेगा ईरान में चाबहार पोर्ट। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ चाबहार पोर्ट एंड ग्वादर पोर्ट, तो दोनों देख लो आसपास में है। सो ये हमारी डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा इन द चाबहार पोर्ट एंड दिस विल ऑल्सो इफेक्ट द प्लान्स, स्पेशली जो INSTC प्लान है उसको भी इफेक्ट करेगा। एंड देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, SCO है क्या, बेसिकली एस्टैब्लिश किया था 2001 में, ये क्या है, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है। तो चाइना अब अपना वही ना दिमाग लगा के ये सोचेगा कि हम ईरान को इसमें इंडक्ट कर लेंगे अगर, क्योंकि ये वैसे भी SCO को एंटी USA देखा जाता है इसको, ठीक है, और अगर चाइना ने बोल दिया कि ईरान आ जा तू भी आ जा हमारे साथ, तो ऑब्वियसली इसमें कौन है, चाइना है, ठीक है, रशिया है, फिर ऊपर से इंडिया आ जाएगा, इंडिया तो है ही है, ऊपर से ईरान भी आ गया, तो बिल्कुल ही एंटी USA ये इसको माना जाएगा एंड इंडिया विल बिकम अ मेंबर ऑफ ब्लॉक दैट विल बी सीन एज एंटी अमेरिकन, ठीक है, तो इसलिए हमारी दिक्कत हो सकेगी एंड इट विल रन काउंटर टू सम ऑफ द गवर्नमेंट्स अदर इनिशिएटिव, जैसे अभी जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप में कौन है, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ठीक है, तो इसमें हम US के पार्टनर है, SCO में हम किसके पार्टनर हैं, चाइना, ईरान के, तो वही ना हम दो नाव में सवार नहीं कर पाएंगे, USA हमें बोलेगा हाँ तुम तो SCO के मेंबर हो, हम नहीं तुमसे बात करें क्वाड ग्रुप में, तो बेसिकली ये चीज़ होगी। तो SCO के मेंबर्स हैं कौन से, मैंने यूरेशियन बोला था तो इसमें यूरोपियन प्लस एशियन मेंबर्स होंगे, कौन से हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, USA, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, 8 मेंबर्स हैं टोटली, ये आपको याद करना है एंड किसी के पास अगर इसकी ट्रिक है याद करने की तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। देन ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या होंगी, डाउन ट्रेंड्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ऑब्वियसली सैंक्शन प्ले कर रहे हो आप ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट होएगा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा सप्लायर है, ऊपर से आप इसमें वो भी मेंशन कर सकते हो जो स्ट्रेट है वहाँ पे जिसको ब्लॉक कर देता है ईरान, जो गल्फ ऑफ ओमान में है उसको ब्लॉक करके वो पास नहीं होने देता वहाँ से फ्यूल सप्लाई, तो उसकी दिक्कत आती है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, बेसिकली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक करेगा तो उसको चोक पॉइंट है, बेसिकली वहाँ से अप्रॉक्स 20% ऑयल सप्लाई जाती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर दिया तो अप्रॉक्स 20% ऑयल सप्लाई वुड बी अफेक्टेड एंड जॉइंट इकोनॉमीज लाइक इंडिया, चाइना, रशिया सफर करेंगे एंड US मे कैंसल एयरलाइंस फ्रॉम US टू इंडिया बिकॉज दे हैव टू पास ओवर ईरान विच वुड अफेक्ट द एयर स्पेस इंडस्ट्री बेसिकली, जो भी हमें और हमें भी ऑब्वियसली अगर हम पे सैंक्शंस लग गए तो हमें भी ईरान का जैसे हमें पाकिस्तान का हम एयर स्पेस को नहीं कर पाए थे ऑक्यूपाई पुलवामा अटैक के बाद, तो हमें मे बी हम ईरान का भी ना कर पाए तो हमारी एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा घाटा होएगा एंड जो फ्लाइट प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। टू सम अप, इट इंक्लूड्स JCPOA,
जैसे पीओए क्या कहता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, यूएस ने पहले ही कर लिया था, ठीक है, पोस्ट द किलिंग ऑफ जनरल कासिम सुलेमानी। तो 2015 की डील है, इसमें क्या ईरान को बोला था कि भाई तुम अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और न्यूक्लियर डील को बंद कर दो। एंड जॉइंट कमीशन भी बैठा था जिसने जो मॉनिटर करता था इस चीज़ को, उसने ये पाया गया कि नहीं, ईरान तो नीचे नीचे अपना सब काम कर रहा है। एंड ईरान को फिर यूएस ने कहा नहीं, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, यूएस ने पुल आउट कर लिया इस डील को से लेके। तो इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या है, ऑयल गैस इम्प्लीकेशन, देन छाबहार पोर्ट, देन INSTC शंघाई SCO के, अगर चाइना ने अपनी बुद्धि लगा के ईरान को इंडक्ट कर लिया इसमें, तो SCO का वो हम एंटी अमेरिकन देखा जाएगा हमें इंडिया को भी। एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट होएगी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर सकता है ईरान, एंड जॉइंट इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ेगा, एयरलाइन प्राइसेस बढ़ सकेंगी क्योंकि एयर स्पेस हम उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन इज अबाउट एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये क्या है, 5th एडिशन होने वाला है इसका, इज बीइंग हेल्ड इन पुणे। तो इसके चार फर्स्ट टाइम बेसिकली कॉन्फ्रेंस बीइंग फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द IISER, ठीक है। आई क्या है, IISER क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। लास्ट 4 एडिशन कहाँ हुए इसकी, तापाई, सियोल, बीजिंग, ओसाका, यहाँ हुए इसके लास्ट 4 कॉन्फ्रेंसेस। ये क्या है, बाइनियल इवेंट्स साल में 2 बार होते हैं, दैट एम टू प्रमोट द इंटरेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला रिसर्चर्स इन एशिया पैसिफिक रीजन्स, ठीक है, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो बेसिकली ड्रोसोफिला, ये एक मक्खी टाइप होती है, ठीक है, इस तरीके की इसे ड्रोसोफिला कहते हैं, इस पर जो रिसर्च कर रहे हैं जो लोग, उनका इंटरेक्शन प्रमोट करता है, साल में 2 बार इवेंट होता है जिसे एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस बोला जाता है। अभी इसका इंडिया में हो रहा है इन द IISER। तो ड्रोसोफिला है क्या, ये जीनस ऑफ फ्लाइज है, बेसिकली इनको स्मॉल फ्रूट फ्लाइज बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ड्रोसोफिला होता है उसका क्या होता है, जीनोम क्या होता है, एक सेल में जितना भी डीएनए होता है, डीएनए बेसिकली हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए, जो हमें डिपेंड करता है इंसान छोटा होएगा, मोटा होएगा, पतला होएगा, काला, गोरा, वो सारा डीएनए कंट्रोल करता है। तो एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बेसिकली। तो उसको क्या करता है, उसका सारा कलेक्शन, अगर आप कलेक्ट कर लो एक ऑर्गेनिजम्स में से उसके सारे सेल्स का वो डीएनए कलेक्ट कर लो, तो वो बनता है एक जीनोम, ठीक है। तो जो ड्रोसोफिला का जीनोम होता है वो छोटा जीनोम है, एंड उसको अगर आप सीक्वेंस कर लोगे बेसिकली, उसमें पता कर लोगे, जैसे एक ये डीएनए है ना, डीएनए का स्ट्रैंड, ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर से बनता है, जैसे AT, थोड़ा बहुत बायो में पढ़ा होगा ATGC। तो ये सीक्वेंसिंग, मतलब पता चल जाए ए के बाद टी है, जी के बाद सी है, अगर ये पता चल जाए तो हम इसमें अल्टर करके हम कोई चीज़ें निकाल सकते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स पे कैसे इफेक्ट होएगी। ए की जगह मान लिया अगर हमने टी लगा दिया, तो पूरा डीएनए का सीक्वेंस ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो पहले ऑब्वियसली हम इंसेक्ट्स में या फिर माइस में जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके ह्यूमन्स पे ये चीज़ें काम करती हैं। तो ड्रोसोफिला का ईजी है क्योंकि छोटा जीनोम है, तो इसीलिए ईजी है, तो हम उसमें पता कर सकते हैं। तो ड्रोसोफिला में इसीलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। तो स्मॉल फ्रूट फ्लाइज एंड ड्रोसोफिला जी ने कहते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड प्रिफर्ड मॉडल ऑर्गेनिजम्स इन द बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च में फेवरेट ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली इनका, क्योंकि इसका जीनोम पूरा हमने सीक्वेंस कर लिया कि भाई ए के बाद टी है, जी के बाद सी है, पता कर लिया है। एंड देयर इज इनॉर्मस इन्फॉर्मेशन कि भाई कैसे बिहेव करेगा ये, इसकी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और बिहेवियर के बारे में हमें पता है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला क्यों इतने स्टडी की कर रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक मैनिपुलेशंस आर मच इजियर इन फ्रूट फ्लाइज, क्योंकि इनका छोटा जीनोम है तो हम एक ही जगह फटाफट टी लगा सकते हैं, तो इजी होते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशंस, एंड इनका छोटा लाइफ साइकिल होता है बेसिकली। तो छोटा लाइफ साइकिल होगा तो क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहा है तो हमें रिजल्ट का फटाफट पता चलेगा। अब ह्यूमंस में क्या होता है, उनको 9 महीने बच्चा पेट में कैरी करना होता है, अगर हम ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने लगे तो हमें एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट 9 महीने बाद पता चलेगा, पर इनका छोटा लाइफ साइकिल है तो फटाफट पता चल जाता है, हाँ भाई ये हमारा काम कर गया है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये वाली चीज थी अबाउट ड्रोसोफिला। तो इसकी जो ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में हो रही है, IISER, ये 5वीं एडिशन है इसकी, बाइनियल इवेंट है, एंड ड्रोसोफिला क्या है, स्मॉल फ्रूट फ्लाइज, एंड ये एक्सटेंसिवली क्यों स्टडीड है, क्योंकि इसका छोटा जीनोम होता है एंड लाइफ साइकिल भी छोटा होता है, तो इजीली हमें रिजल्ट्स के बारे में पता चल जाता है। देन इज अबाउट उजाला स्कीम, GS3 का टॉपिक है, इसकी 5th एनिवर्सरी है। उजाला को क्या, उजाला की फुल फॉर्म क्या है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। LEDs क्या होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, बेसिकली LED लाइट जो हमारे घरों में लगी होती है, एंड LED स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। उजाला में 2 चीज़ें आ रही है, पहले तो अफोर्डेबल LED सबके लिए, दूसरा स्ट्रीट लाइटिंग भी हमें LED करनी है। तो ये 2 स्कीम्स आती है उजाला स्कीम्स में। परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट पढ़ लेते हैं।
स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम है, 5 ईयर्स में अराउंड 1.03 करोड़ स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल कर दी गई हैं। इससे क्या इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन कम होता है, एंड इनिशिएटिव में ऑब्वियसली अगर आप वो इंस्टॉल करोगे उतने आपको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, कोई चढ़ेगा सीढ़ी पे तभी तो लगाएगा, तो जॉब्स क्रिएट हुई हैं। एंड अंडर उजाला प्रोग्राम इतने बल्ब्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये बल्ब्स नहीं है बल्ब्स है, बल्ब्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया LED बल्ब्स को, तो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन कम हुए हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आपको फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई नहीं पूछता। तो उजाला स्कीम है क्या, बेसिकली एफिशिएंट लाइटिंग एनहांस अवेयरनेस ऑन यूजिंग एफिशिएंट इक्विपमेंट्स विच रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड हेल्प प्रिजर्व एनवायरनमेंट। क्या होता है कि जैसे पहले बल्ब्स होते थे जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता था, ठीक है, ये टंगस्टन का फिलामेंट क्या करता था, इसमें पहली बात तो अगर हम बिजली पास कर रहे हैं आधी तो इसमें हीट ही जनरेट हो जाती थी। आप कभी नोटिस करना, हम ट्यूबलाइट्स को हाथ लगा के देखेंगे वो इतनी गर्म नहीं होती, बल्ब 10 मिनट तक जलेगा वो इतना गर्म हो जाता है, तो आधी से ज़्यादा तो हीट के रिलीज में एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो वो जो लाइटिंग करता है वो बहुत कम करता है पर हीट ज़्यादा रिलीज करता है, एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से हम शिफ्ट किया बल्ब्स टू LED लाइट्स। ठीक है, LED में क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर, जो फिजिक्स में पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर की हेल्प से लाइटनिंग होती है, तो उसमें इतना एनर्जी लॉसेस नहीं होता। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइटनिंग एफिशिएंट हो, अवेयरनेस हो लोगों में कि भाई हाँ LED काम अच्छा करती है, बिल भी लोगों का क्या है, बेसिकली बिल कम आना चाहिए, बाकी तो सब चलता है, बिल कम आता है, एनवायरनमेंट प्रिजर्व होती है। एंड ये स्कीम इंप्लीमेंट किसने की है, एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, ठीक है, एक जॉइंट वेंचर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कौन सी एजेंसी है, एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो इसमें क्या होएगा, हर जो भी घर होएगा उसको बोलेंगे कि LED बल्ब्स यूज़ करो आप भाई, ठीक है, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक बल्ब से सस्ते रेट्स पे प्रोवाइड करते हैं, एंड नेट ताकि नेट पावर एंड एनर्जी कंजप्शन रेट कम हो सके एंड बिजली का बिल भी कम आए लोगों का, तो कार्बन एमिशन रेट्स भी चेक हो सके। तो जो स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम है उसमें क्या होगा, ये एक जो 50 लाख स्ट्रीट लाइट्स है उनको रिप्लेस कर रहे हैं, एंड तो इसमें बेसिकली कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट से शिफ्ट हो रहे हैं। क्या होता है, अब जो उजाला स्कीम में एक सेंटर बिठा देते हैं पूरे एक मतलब डिस्ट्रिक्ट में कि भाई यहाँ से आपको बेचा जाएंगे जो भी बल्ब्स हैं, तो वो बल्ब्स बेच देते हैं यहाँ पे, जिनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली प्राइस कम कर रहे हैं, आपको फ्री में नहीं बांट रहे, इनिशियली तो दिए थे कुछ एक फ्री में बट बाद में प्राइस कम करके बांटे गए थे, ट्यूबलाइट्स भी प्राइस कम करके, पंखे भी इसी तरीके से प्राइस कम करके, एंड ये स्ट्रीट लाइट्स भी, तो कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस कर दिया है LED से। ठीक है, तो उजाला स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट कब है, कब लॉन्च हुआ था, दिस वॉज लॉन्च इन 2015। ठीक है, तो एसेंशियल स्ट्रीट लाइट्स प्रोग्राम था, इसके तहत दो है, एक तो घरों में LED प्रमोट करना एंड दूसरा स्ट्रीट लाइटिंग को भी मॉडिफाई करना, एंड इम्प्लीमेंट कौन करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड कौन सी कंपनी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। देन इज अबाउट प्रोजेक्ट नेत्र, नेत्र मतलब क्या होता है, आई। अब ये खुद सोचो किसी भी कंट्री को मॉनिटर करने के लिए, अभी हमारा स्पेस में क्या है, हमारी आईज कौन बन रही है, सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये सैटेलाइट से रिलेटेड, ऐसे थोड़ा लिंक करो, हम क्या वही ना, ऊपर से हम पूरी कंट्री को देख सकते हैं, तो वो हमारी कंट्री की आंख बनी हुई है। तो प्रोजेक्ट नेत्रा किसका है, इसरो का प्रोजेक्ट है। इसरो ने लिंक द पैक्ट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स टू पेव द वे फॉर कोलैबोरेशन इन एस्टैब्लिशिंग ऑप्टिकल टेलीस्कोप फैसिलिटीज अंडर प्रोजेक्ट नेत्रा। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स का निर्माण करेगा कौन कौन, इसरो एंड IIA, ताकि वो स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सके। अब प्रोजेक्ट नेत्रा है क्या, ठीक है, नेत्रा का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ट्रैक करेगा फिर उनका एनालिसिस करेगा कि भाई चीज़ क्या है जो हमने पकड़ ली। तो इस प्रोजेक्ट में इसरो ने ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज़ कौन सी, पहले तो रडार्स कनेक्टेड रडार्स को एस्टैब्लिश करेंगे, फिर टेलीस्कोप होंगे, बेसिकली दिखे तो भाई हमें एनालिसिस किसका करना है, टेलीस्कोप से देखेंगे, फिर डाटा को प्रोसेस करेंगे एंड फिर एक कंट्रोल सेंटर का निर्माण करेंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा छोटे से छोटा 10 सेंटीमीटर का भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर पाएगा एंड 3.5 किलोमीटर का भी ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर पाएगा इन द स्पेस ऑर्बिट ऑफ 2000 किलोमीटर्स। सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्वियसली हमारे पास अगर ऐसी चीज़ें आएगी तो हमारी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, एंड जो भी हमारी इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनको थ्रेट होएगा, ठीक है, फ्रॉम डेब्रिस या फिर दूसरी किसी कंट्री की सैटेलाइट से, वो हमें पता चल जाएगा। डेब्रिस क्या होता है, क्या जो सैटेलाइट्स खराब हो जाती है वो घूमती तो वहीं रहेंगी, हम उनको नीचे लेके तो नहीं आते हैं ना, तो वो स्पेस डेब्रिस बन जाता है, स्पेस का कूड़ा बेसिकली। तो वो स्पेस का कूड़ा है, अगर हमारी सैटेलाइट को हिट करेगा तो हमें पता चल जाएगा, तो हम उसकी पोजिशन को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्पेस डेब्रिस से थ्रेट है वो पता चलेगा हमें,
एंड ये नेत्रा का इवेंचुअल गोल क्या है, हमें जीईओ को कैप्चर करना है। जीईओ क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसकी लेंथ, इसकी हाइट क्या है, 3600 किलोमीटर्स। देखो ये अर्थ है, ये लियो है, लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट आता है, फिर जीईओ आता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसकी हाइट क्या है, 36,000 किलोमीटर्स। तो इसमें जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है बेसिकली, वो प्लेस होती हैं, ठीक है। एंड जो भी IRNSS के तहत हैं नेविगेशनल सैटेलाइट्स, वो सब इसी में प्लेस होती हैं। एंड हमारी इंटरनेशनल एफर्ट्स में हमारी बढ़ोतरी होएगी, ताकि जो मिटिगेटिंग इन रिलेशन टू मिटिगेटिंग ऑफ स्पेस डेब्री। एंड नीड क्यों है इसकी, क्योंकि हमारी करीबन 15 फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब यहाँ पे हमारी अब अप्रोक्स 15 सैटेलाइट्स हैं, 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इन द LEO, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारी 13 है, यहाँ हमारी 15 है, यहाँ हमारी 13 है, ठीक है। ये अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर्स पे होता है। एंड 8 नेविगेशनल सैटेलाइट्स इन द मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। 8 इसमें है, 13, 8 एंड 15, ये 2000 पे है, ठीक है। ये 21000 पे है एंड ये 36000 किलोमीटर्स पे है। इसकी आपको हाइट पता होनी चाहिए, लो अर्थ, मीडियम अर्थ एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो बैकग्राउंड क्या है, स्पेस जंक बढ़ रहा है, ठीक है। एंड ये अर्थ को सर्कल करता रहता है बेसिकली, एंड हमारी स्टेट हमारी सैटेलाइट्स को इफेक्ट ना करे, इसकी वजह से हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, कॉलिजन हैजार्ड्स ना हो। उस पर ऑब्वियसली भिड़ गया तो फिर वो सैटेलाइट्स डैमेज हो जाएंगे, हमारा इतना एफर्ट वेस्ट चला जाएगा। एंड इंटरनेशनल राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द स्पेस डेब्रिस इंक्रीजेस पोटेंशियल डेंजर टू स्पेस व्हीकल्स एंड ऑब्वियसली टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो एस्टैब्लिश किया हुआ है इन द स्पेस शटल्स एंड सैटेलाइट्स एंड द स्पेसक्राफ्ट, उन सबको एक थ्रेट है। तो इसमें क्या है, नेत्रा किस नेत्रा के लिए अभी उन्होंने टेलीस्कोप बनाने के लिए वो किया, कोलैब किया है। प्रोजेक्ट नेत्रा में क्या होएगा, रडार्स बनेंगे, टेलीस्कोप बनेंगे, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स, फिर कंट्रोल सेंटर टू मॉनिटर जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 सेंटीमीटर से छोटा एंड 3500 किलोमीटर बड़ा भी आपको दिख जाएगा। एंड हमारी क्या बेनिफिट क्या है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। एंड जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है हम उसको मॉनिटर कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, अगर उन पे दिक्कत आ गई तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, तो जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। एंड हमारी सैटेलाइट्स कौन सी हैं, लियो कितने, पहले लियो देख लेते हैं, लियो कितनी हाइट पे है, 2000 किलोमीटर, नियो कितने पे है, 21000 किलोमीटर अप्रॉक्स, एंड जियो कितने पे है, 36000 किलोमीटर। इसमें हमारी कितनी है, 13, इसमें 8 एंड इसमें 15 सैटेलाइट्स हैं। तो जियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारी सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। किसके लिए है, स्पेस जंक के को मॉनिटर करने के लिए, टू प्रिवेंट कोलिजन हैजार्ड्स। देन इज अबाउट केरला टू टर्न टू मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड है क्या, मियावाकी मेथड है एफॉरेस्टेशन का मेथड। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की पेड़ों को उगाना, ठीक है, उसका एक मेथड है। तो इसमें क्या होएगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज या किसी भी छोटी जगह पे आप पेड़ पौधे उगा सकते हो, ठीक है। तो एक अफॉरेस्टेशन का इंटरेस्टिंग मेथड है, जापानीज से आया है, ये जापानीज बॉटनिस्ट के नाम पर है। इसमें क्या होएगा, जो आप छोटी छोटी सैपलिंग्स होती हैं, ठीक है, प्योध जिसे कहते हैं, वो आप प्लांट कर सकते हैं। एंड उससे क्या होएगा कि नियरली 10 times क्विकर बढ़ेंगी, क्योंकि छोटी जगह पे ग्रो कर रही हैं। जापान में ओरिजिनेट हुआ है। एंड इसमें आप क्या होएगा, आप अपने बैकयार्ड्स को बेसिकली, या फिर आप अपनी छत पे भी उगा सकते हैं, उसको मिनी फॉरेस्ट बन सकते हैं ये। तो इसमें देखो, अब ऐसे छोटी छोटी सैपलिंग्स को उगा देंगे एंड धीरे धीरे ये इतनी बड़ी हो जाएंगी। तो दिस इज कियावाकी मेथड। तो इसमें क्या होएगा, पिट को डक करना पड़ेगा एंड डायमेंशन डिपेंड करेगी आपके पास स्पेस कितना है। तो उसमें आपको ट्री स्पीशीज को चूज करना पड़ेगा जुडिशियसली, क्योंकि ट्री स्पीशीज जिस तरीके की भी होगी तो एक छोटी छोटा ही ग्रो करेगी, एक बड़ी ग्रो हो जाएगी, ताकि वो आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो जगह को रिलेटेड। तो इसीलिए जो ट्रीज विद वेरिंग हाइट्स चूज करनी पड़ेगी, कोई छोटा ग्रो होता है, कोई बड़ा ग्रो होता है। एंड फिर एक लेयर ऑफ कंपोस्ट, फिर एक लेयर ऑफ बैगेसी, ठीक है। बैगेस क्या होता है, जो जैसे हम शुगर केन का जूस निकाल के वो जो बच जाता है ना, वो बैगेस बोलते हैं। एक लेयर तो कंपोस्ट की, एक लेयर बैगेस की, और एक फिर कोकोनट शेल की, इस तरीके से मिला के फिर रेड सोयल डाल के इस तरीके का खाद सा बना देंगे और उसमें इसको ग्रो करेंगे, प्लांट कर देंगे फिर इनको। एंड होल प्रोसेस 2 से 3 वीक में कंप्लीट हो जाता है एंड फिर इनको मेंटेन करना पड़ता है। कॉस्ट इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट कियावाकी मियावाकी मेथड। मियावाकी कहाँ का है, जापान का है, ओरिजिनेट भी वहीं हुआ था। हम इसको एफॉरेस्टेशन का एक अच्छा मेथड है, प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ। दिस वाज अबाउट मियावाकी। दिस अबाउट एथिकल वीगनिज्म। तो एक एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल है इन द यूनाइटेड किंगडम, उसने रूल किया है कि एथिकल वीगनिज्म ये फिलोसफिकल बिलीफ है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस मतलब इसके तहत आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अगर कोई वीगनिज्म फॉलो कर रहा है तो। ये एक फिलोसफिकल बिलीफ है, ये सिर्फ जीने का तरीका नहीं है, एक फिलोसफिकल बिलीफ का दर्जा दिया गया है। तो ट्रिब्यूनल ने कहा क्या है
कि जो एथिकल वीगनिज्म है वो सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है जो एक फिलोसफिकल बिलीव के तहत होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये एंड जो भी फिलोसफिकल बिलीव होती है ना, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीव, वो यूके में किस लॉ के तहत प्रोटेक्टेड है? द इक्वालिटी एक्ट ऑफ 2010। तो ध्यान से समझना, इक्वालिटी एक्ट ऑफ 2010 के तहत क्या प्रोटेक्टेड है? रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीव्स। तो जो एथिकल वीगनिज्म है वो फिलोसफिकल बिलीव्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। एंड इस एक्ट, जो इक्वालिटी एक्ट है, ये क्या कहता है? बिलीफ इज डिफाइंड एज कोई भी रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीफ है तो वो आपके प्रोटेक्टेड होगी, एंड आप उसके तहत डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन एनी वर्क प्लेस एंड इन द वाइडर सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये पूरा केस था। ये जो एक बंदा था जिसको जॉर्डी कैसम टिनिजा, ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको फायर कर दिया गया था फ्रॉम एनिमल वेलफेयर चैरिटी कि भाई तुम ये वीगनिज्म के तहत इसको वो कर दिया गया था। तो ये वीगनिज्म है क्या है, या एथिकल वीगनिज्म ये है क्या, ये एथिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, एक वीगन पर्सन क्या होता है, जो कंज्यूम नहीं करता मीट, ना तो वो मीट खाएगा, ना दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाएगा, ना तो वो दूध पिएगा, ना वो अंडे खाएगा, ठीक है। तो जो एनिमल से आपको बेसिकली चीज़ें मिल रही है वो नहीं खाता है वीगन पर्सन। तो एथिकल वीगनिज्म क्या कहता है, हैज़ बीन डिफाइंड, वैसे नॉर्मली एथिकल वीगनिज्म को बुक्स वगैरह में डिफाइन किया गया होता है कि एक पॉजिटिव एथिकल इवैल्यूएशन है टू द वीगन लाइफस्टाइल। बेसिकली एथिकल वीगनिज्म को बुक्स में क्या दिया गया है, एक जीने का तरीका है, वीगन लाइफस्टाइल जीने का तरीका बोला गया है। पर अभी ट्रिब्यूनल ने बोला है कि ये फिलोसफिकल बिलीव्स को मीट करता है तो इसको जीने का तरीका ही नहीं मानना चाहिए। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ एथिकल वीगनिज्म। एक तो क्या होता है, ब्रॉड एब्सोल्यूटिस्ट वीगनिज्म। इसमें क्या होता है कि अब आपको हराम है बेसिकली खाना, जो भी एनिमल की चीज़ें हैं उसको आप उनको टच भी नहीं कर सकते, इसीलिए एब्सोल्यूटिस्ट बोला गया है। एब्सोल्यूटिस्ट का ये एग्जांपल दिया जा रहा है कि अगर ग्लोबल वॉर को भी ख़त्म करने के लिए किसी वीगन को बोला जाए कि तुम ये लेदर की चीज़ छू लो तो वो नहीं छूएगा, इतना एब्सोल्यूटिस्ट माना जाता है कि हराम है, आप एनिमल चीज़ को टच भी नहीं कर सकते। और एक होता है मॉडेस्ट एथिकल वीगनिज्म कि भाई आप मतलब कभी कभी छू तो सकते हो, बेसिकली खाना नहीं आपको, तो ये मॉडेस्ट एथिकल वीगनिज्म है। तो दो तरीके होते हैं एथिकल वीगनिज्म, ब्रॉड एंड मॉडेस्ट, ठीक है। एंड वीगन क्या होता है, जो एनिमल मीट नहीं खाता है एंड एनिमल से बनी हुई दूध अंडा भी नहीं खाता है। एंड एथिकल वेजिटेरियनिज्म से कैसे डिफर करता है, क्योंकि वेजिटेरियनिज्म में क्या होता है, हम सिर्फ मीट नहीं खाते पर हम मिल्क वगैरह खा लेते हैं वेजिटेरियनिज्म में, तो ये वाली डिफरेंस क्रिएट करता है वीगन एंड वेजिटेरियनिज्म में। तो ये वाला आर्टिकल था, एथिक्स से रिलेटेड आ सकता है कि ये क्या सही था करना, क्या ये नहीं सही था, तो इसमें आपको अपना आंसर तैयार करके रखना पड़ेगा। देन इज अबाउट चाइनीज पैडल फिश फाउंड इन यांगसे डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, ठीक है। जो चाइनीज पैडल फिश है ये यांगसे रिवर में मिलती थी, उसको अभी एक्सटिंक्ट कराया जा सकता है। ये इसकी फोटो है, ये नेटिव है यांगसे की, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर यांगसे, जिसकी लेंथ कितनी है 6300 किलोमीटर्स। तो इसकी लोकेशन देख लो, यहाँ पे ऐसे फ्लो करके यहाँ पे जाती है, यांगसे की लोकेशन है। एंड ये जो पैडल फिश थी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीशीज थी ऑफ द फ्रेश वाटर। इसने चाइनीज साइंटिस्ट ने बोला कि भाई अब ये डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। एंड इसको लास्ट कब देखा गया था, 2003 में। इसको फंक्शनली एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, विच मीन्स दैट ब्रीडिंग पेयर्स नहीं बचे थे, एक दो बनी थी, मतलब एक फीमेल बची थी, दो तीन चार फीमेल्स बची थी, पर ब्रीड करने वाला नहीं बचा था इन 1993। पर 2003 में बोला गया कि ये पक्की ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एंड टू अदर नोटेबल यांगसे स्पीशीज जो कौन सी है, रीव्स शैड एंड अ टाइप ऑफ फिश एंड द बाजी और यांगसे रिवर डॉल्फिन वर डिक्लेयर फंक्शनली एक्सटिंक्ट इन द 2015 एंड 2006। इसमें भी डिक्लेयर कर चुके हैं एक्सटिंक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी, ये एक्स्ट्रा मैं इंसर्ट कर रही हूँ, जो इनसाइट्स में नहीं दे रखी होती है यूजुअली, तो ये एक्स्ट्रा है, तो इनको मैं टेलीग्राम ग्रुप एडियो निर्माण पे इंसर्ट कर दूंगी। देन इज अबाउट भितरनिका सेंसस ऑन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो भितरनिका सेंसस ने माना गया है, पाया है कि 15 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की मतलब ज़्यादा है इन द भितरनिका मैंग्रोव्स। तो भितरनिका मैंग्रोव्स हैं क्या, ये वेटलैंड्स ऑफ ओडिशा में है भितरनिका, एंड ये ब्रह्मानी एंड बैतरानी जो रिवर डेल्टास हैं उनको कवर करते हैं मैंग्रोव्स। तो देर आर नाउ 1757 क्रोकोडाइल्स इन द पार्क, ठीक है। सेंसस 2 जनवरी 3 को कंडक्ट किया गया था, एंड पहले 1742 थे, तो टोटल 15 बढ़े मिले हैं। एंड बेसिक्स क्या है, 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल होते हैं, सॉल्ट वाटर, मुगर एंड घड़ियाल। तो मुगर कौन से होते हैं, देखो ये फोटो है मुगर की, ये मुगर क्रोकोडाइल है, इसको इंडियन क्रोकोडाइल भी बोला जाता है, या मार्श क्रोकोडाइल्स जो मार्शी एरियाज में मिलते हैं, ये थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिलते हैं। कैटेगरी कौन सी है, वल्नरेबल बाय IUCN, एंड मुगर इज मेनली अ फ्रेश वाटर स्पीशीज फाउंड इन लेक रिवर्स एंड मार्शेस। मुगर से एम फॉर मुगर, एम फॉर मार्शेस। फिर है घड़ियाल ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है। इसकी घड़ियाल की पहचान क्या, आगे से इसका मुंह ऐसे बड़ा होता है,
तो ये नेटिव है टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यही मिलता है एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बाय IUCN ने बोला है। स्मॉल पॉपुलेशंस कहाँ प्रेजेंट होती है, नेशनल चंबल सेंचुरी जो राजस्थान में चंबल एरिया में ही बेसिकली मिलते हैं, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ चुका है। देन कतरनियाघट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन धर्मपुर उत्तर प्रदेश, कतरनियाघट कहाँ है उत्तर प्रदेश में। सोन रिवर सेंचुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एंड रेन फॉरेस्ट बायोम ऑफ महानदी इन सतकोसिया जॉर्ज है जो ओडिशा में, वहाँ पर भी ये मिलती है। तो ओडिशा के हमने दो पढ़ लिए, एक तो भितरनिका एंड सतकोशिया, तो ये वहाँ भी मिलता है घड़ियाल। देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये लार्जेस्ट है ऑफ ऑल लिविंग रेप्टाइल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसी की अमाउंट बढ़ी हुई है 15 एंड इट इज़ लिस्टेड एट लीस्ट कंसर्न। मई तुमसे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब अमाउंट ज़्यादा ही है इनकी। एंड इट इज़ फाउंड थ्रू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो बेसिकली ईस्ट कोस्ट पे मिलता है, तभी तो ये भितरनिका में मिला है। सो भितरनिका में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की अमाउंट बढ़ी मिली है। तो मुगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल तीन तरीके के होते हैं। देन इज अबाउट स्मोक टावर, स्मोक टावर दिल्ली को अपना पहला स्मोक टावर मिल गया है। नवंबर में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट को कि ऐसे प्लान को प्रिपेयर करो कि आप स्मोक टावर अक्रॉस द कैपिटल आप इंस्टॉल कर सको। तो स्मोक टावर है क्या, ताकि एक लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर्स है, बड़े बड़े टावर्स है जैसे ये उसके होते हैं कम्युनिकेशन वाले, उसी की तरह होंगे पर वो एयर प्योरीफाई करेंगे, तो जिसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ एयर फिल्टर होंगे जिसमें से पॉल्यूटेड जाएंगे तो वो क्लीन हो सकेंगे। एंड जो फिल्टर्स इंस्टॉल्ड विल यूज कार्बन नैनो फाइबर्स एज मेजर कॉम्पोनेंट, नैनो फाइबर्स होंगे कार्बन के एंड विल बी फिल्टर्ड अलॉन्ग इट्स पेरीफरीज एंड टावर विल फोकस्ड ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकुलेट मैटर लोड। तो बेसिकली जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमेशा ही गिरता रहता है दिल्ली में, तो वो हम उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्मोक टावर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, AQI के मुझे रेंजेस बतानी है, जो गुड, सीवियर, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर है वो बताएंगे, कितने कितने पॉल्यूटेंट्स से होते हैं एंड मेजर कौन से पॉल्यूटेंट्स करता है, PM 2.5, PM 10, मतलब ऐसे 8 पॉल्यूटेंट्स मेजर करता है, वो उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। देन इज अबाउट बीबी का मकबरा, ये है क्या, ये फोटो है इस तरीके की, ताजमहल जैसा दिखता है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। इट वॉज कमीशन इन 1660 में बनाया गया था बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट एंड द चीफ वाइफ दिलरास बनू बेगम, इनकी इसलिए उनको बीबी का मकबरा बोलते हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ औरंगजेब कॉन्जुगल फिडेलिटी, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ताज ऑफ डेक्कन, क्योंकि ये ताज की तरह दिखता ना, इसीलिए बीबी का मकबरा कहाँ है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद, 1616 में इसको कमीशन किया था बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, दो क्वेश्चन है खरीफ, अभी मैं आपको डिफरेंस बताना है एंड देन इज अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस।